हमारे साथ है नितिन मिश्राम जी, जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। आज सुबह से लगभग 8 बजे से नितिन मिश्राम जी और हम लोग कई लोग जो है चुनाव आयोग के बाहर, किस तरह से एनओसी मांगा गया था तेज बहादुर से और उनको जो टाइम दिया गया था उसी टाइम पे लगभग आपको बुलाकर जो मांगा गया है, आपने क्या क्लेम किया, क्या रखा उनके सामने? हमारा ये कहना था कि तेज बहादुर का जो नॉमिनेशन है वो तेज बहादुर जी का नॉमिनेशन में कोई डिफेक्ट नहीं है, और जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है कि सर्टिफिकेट देना चाहिए सेक्शन 9 क्लास 2 के अंदर में, आरपी एक्ट के अंदर में जो सर्टिफिकेट देना चाहिए इलेक्शन कमीशन के तहत, वो मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि इनका जो डिसमिसल है सर्विसेज से वो ना करप्शन के आधार पर हुआ है और ना ही इनका डिसमिसल जो है डिसलॉयल्टी टू द स्टेट हुआ है। तो ये दो ग्राउंड की कंप्लायंस ना होने की वजह से उनका जो नॉमिनेशन है वो परफेक्टली ऑलराइट है। फिर भी जब रिटर्निंग ऑफिसर ने ऑब्जेक्शन लिया है, तो रिटर्निंग ऑफिसर ने ऑब्जेक्शन लेने की वजह से हम लोगों ने सर्टिफिकेट के लिए आज अप्लाई किया है इलेक्शन कमीशन की तरफ, और इसीलिए हमें तुरंत सर्टिफिकेट इशू कर दी जाए ताकि हमारा नॉमिनेशन स्टैंड हो जाए बिफोर दी रिटर्निंग ऑफिसर। इसलिए जो है मैंने सुबह अप्लीकेशन की इलेक्शन कमीशन के सामने, इलेक्शन कमीशन के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने वो अप्लीकेशन को डिप्टी इलेक्शन कमीशन के सामने सबमिट किया, और मुझे दिन भर, मैं कम से कम 20 से 25 बार इंक्वायरी कर चुका हूँ, तो 20 से 25 बार इंक्वायरी करने के बाद उन्होंने मुझे ये कहा कि उन्होंने बीएसएफ को लिख दिया है और बीएसएफ का ओपिनियन मंगाया है, जबकि बीएसएफ का ओपिनियन मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 9 क्लास 2 एंड प्रोविज़ो में यह लिखा गया है कि इस तरह का कोई कंसल्टेशन का मामला नहीं बनता है, पर इलेक्शन कमीशन को डिलिबरेटली ये डिले करना था मैटर, और इसीलिए इलेक्शन कमीशन बीएसएफ का बहाना बना रहा था। और मुझे अभी तक बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को जो बीएसएफ का जवाब आना था वो बीएसएफ का जवाब नहीं आया है। बट मेरे पास डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन यह है कि 10:45 को इन्होंने जो है 10:23 पे इन्होंने बीएसएफ को लिखा था, और 10:25 या 26 पे जो है बीएसएफ के जो बड़े अधिकारी है उसके सामने ये मैटर चला गया था। इन्होंने उसको जो है विद इन द आवर्स रिप्लाई देने का फरमान भी छोड़ दिया था, और उन्होंने जो है 10:45 पर इलेक्शन कमीशन को जो है जवाब दे दिया है। तो उसके बाद में भी जो है ये लोग जो है जवाब नहीं आया है करके इस चीज़ को डिले करते रहे। मैं उनको बताया कि आप लोगों को किसी तरह का जवाब की इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, आप इंडिपेंडेंटली, मैंने चार्जशीट दिया है उसके साथ डिसमिसल ऑर्डर दिया है, मैंने रिटर्निंग ऑफिसर का ऑर्डर दिया है उनको, और मैंने कहा है कि मैं पंजाब का तेज बहादुर जी का लॉयर हूँ और मुझे जो है उनकी बाजू यहाँ पर रखनी है, आप मुझे ऑडियंस दीजिए। मुझे ऑडियंस नहीं दिया उन्होंने, और सेकेंडली मैं आपको बता रहा हूँ कि बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन्होंने इस मैटर को प्रोसेस नहीं किया। मैं उनको बता रहा था कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है हमें टाइम दे रहा है, इस टाइम के अंदर में कीजिए। फिर पहली बार रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि आप आधा घंटे में लेके आए 11 बजे के बाद में, फिर कह रहा है कि कुछ समय के बाद लेके आइए, फिर आखिरी में डेडलाइन देते हुए उसने कहा कि 4 बजे तक लेके आइए। मैं इनको बार बार बता रहा था बट ये इस बात को मान नहीं रहे थे। मैंने इनको ये भी रिक्वेस्ट किया कि आप रिटर्निंग ऑफिसर से बात कर लीजिए, वो कहा कि मैं बात नहीं करूँगा, और ये कह रहे हैं कि बीएसएफ की तरफ से हमारे पास कोई जवाब नहीं आया है। जो मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि बीएसएफ ने जवाब दिया है कि हमने इनको सिर्फ डिसिप्लिनरी मैटर्स में, जो इन्होंने जो खाना ख़राब है ये जो कंप्लेंट की थी, तो डिसिप्लिनरी मैटर्स में जो है सिर्फ हमने इनको बर्खास्त किया, इसमें करप्शन का कोई मामला नहीं है, डिसलॉयल्टी टू द स्टेट कोई नहीं है, इस तरह का जवाब इलेक्शन कमीशन को दिया है, तो उसके आधार पर हमको सर्टिफिकेट मिलनी चाहिए थी। और इंडिपेंडेंटली इनकी चार्जशीट यदि आप देखेंगे तो चार्जशीट के आधार पर भी इनको जो है ये इस तरह के डिसलॉयल्टी टू द स्टेट और करप्शन के कोई चार्जेस इनके खिलाफ लगाए नहीं गए थे, और डिसमिसल इन किसी कारणों की वजह से नहीं हुआ था, तो उसकी वजह से वो देखते ही उनको सर्टिफिकेट दे देना चाहिए था, उन्होंने जानबूझकर वो सर्टिफिकेट नहीं दिया और इस मैटर को उन्होंने डिले किया, और डिले करने की वजह से जो है वो तेज बहादुर का आज डिक्लेरेशन हुआ कि नॉमिनेशन रिजेक्शन हुआ है। बट इम्पॉर्टेंटली ये बात है कि इसके बीच में जो रिटर्निंग ऑफिसर, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है रिटर्निंग ऑफिसर वाराणसी से, उन्होंने मुझसे फ़ोन पर बातचीत की, तो सुरेंद्र सिंह जो वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर, उन्होंने बातचीत में बहुत सारी बातें हुई, उन्होंने मुझे कहा कि सेक्शन 9 एंड सेक्शन 33 के तहत जो है आपने एक ये सर्टिफिकेट आपने जो है नॉमिनेशन फॉर्म के साथ भरना चाहिए था, बट आपने वो भरा नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि यदि नॉमिनेशन फॉर्म के साथ भरना ज़रूरी होता तो आप हमको समय क्यों देते, आप लोगों ने हमको समय दिया है। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि समय मैंने इसलिए दिया है क्योंकि मैंने समय देने के पहले इलेक्शन कमीशन से पूछा था, तो इलेक्शन कमीशन ने मुझे ये कहा है कि मैं इलेक्शन कमीशन ने मुझे ये बताया था कि आप उनको समय दे दीजिए ये सर्टिफिकेट ऑप्टेन करके देने के लिए, इसलिए मैंने समय दिया है। तो मैंने कहा कि जब आपका
इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि ये समय दिया जा सकता है, नॉमिनेशन के साथ में भरना जरूरी नहीं है, तो आप जो है इलेक्शन कमीशन के सामने हम अपना एप्लीकेशन फाइल कर दिया है, तो इलेक्शन कमीशन को ये बताया भी है कि अर्जेंसी है इस मैटर में, और उन्होंने अर्जेंट लेवल पर एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी किया है, बीएसएफ को भी लिखा है, तो इस मैटर में आपको रिजेक्शन करने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। और मैंने आपको उनको कहा है कि ये जो रीडिंग है सेक्शन 33 और सेक्शन 33 का और सेक्शन 9 का, इसका ये मीनिंग है कि जो पर्सन करप्शन के चार्जेस पे या फिर डिसलॉयल्टी टू द स्टेट के चार्जेस पे डिसमिस नहीं हुआ है, उसको इस तरह के सर्टिफिकेट का देने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। बट आपने ऑब्जेक्शन उठाया, इसलिए हम लोग इलेक्शन कमीशन के सामने आए। बट इस सारी प्रोसेस में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का बिहेवियर बहुत ही संदिग्ध है। उन्होंने बीएसएफ को क्या लिखा उन्होंने हमको बताया नहीं। मैं बार बार उनको रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो डॉक्यूमेंट उनको दीजिए जिसको बीएसएफ को आपने क्या लिखा है, तो वो मुझे मना कर रहे थे। मैंने क्या ईमेल लिखा है उसका आप हमको प्रिंट दीजिए, वो देने को मना कर रहे हैं। और कई सारी इंक्वायरीज के बाद वो तो चीड़ना शुरू कर दिए थे, वो कह रहे हैं कि काफ़ी चिड़ रहे थे कि इस मैटर में आप बहुत ज़्यादा दखलअंदाजी कर रहे हैं, इस तरह का जो बातें कर रहे थे, और हम अपना काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि हम इस मैटर पे वार लेवल पर काम कर रहे हैं करके उन्होंने मुझे बताया। सुबह मुझे वो 1 बजे तक बता रहे थे कि इस मैटर में वो वार लेवल पर काम कर रहे हैं, बट उनका वार अभी ख़त्म नहीं हुआ। वार ख़त्म हुआ, सेना का जवान जो है ध्वस्त हो गया, और वार ख़त्म हो के सेना का जवान ध्वस्त हो गया, बट इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है। मेरा सवाल 2 चीज़ों पर है कि इलेक्शन कमीशन ने ये सर्टिफिकेट इशू करने के लिए, जबकि ये बहुत ही सिंपल मैटर है और बीएसएफ के कंसल्टेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, इस मैटर को क्यों डिले किया? और यदि बीएसएफ ने पूरे दिन भर में इसको जवाब नहीं दिया है तो क्यों नहीं दिया है? बट मेरी इन्फॉर्मेशन है कि बीएसएफ ने इसको जवाब दिया है। तो ये जो मेरा पूरा आकलन है इस दिन भर का मेरा पूरा दिन भर का जो आकलन है वो आकलन ये है कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहा है। बीएसएफ जो है शायद इसने यदि जवाब नहीं दिया होगा तो किसी पॉलिटिकल प्रेशर के तहत इसने काम किया होगा, और वो चाहते थे कि बीएसएफ का जवान तेज बहादुर यादव इस वाराणसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव न लड़ पाए, इस तरह का पूरा एक कॉन्स्पिरेसी है। मैं एलिगेशन लगाता हूँ इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि इलेक्शन कमीशन जो है कॉन्स्पिरेसी में शामिल है। थैंक यू सो मच। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि जैसे एक जो कल लेटर दिया गया था उनको, उसमें टाइम था 11 बजे तक। हाँ। सुबह जब हम लोग लगभग 11 बजे तक आपको बुलाया गया, उसके बाद ये टाइम उन्होंने एक्सटेंड किया 4 बजे तक। हाँ। इस बीच में जैसे कि मैं तो बाहर था, मैंने देखा कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए थे, धर्मेंद्र प्रधान जी, संबित पात्रा और विजय गोयल, ये लोग आए हुए थे। इस बीच में क्या आपको लगता है कि ये इफेक्ट किया गया? मेरी जानकारी के हिसाब से जो टाइम दिया गया था तेज बहादुर यादव को, वो टाइम के ऊपर बीजेपी ने ऑब्जेक्शन लिया था कि उनको टाइम नहीं देना चाहिए था, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल प्रोसेस में, ये जो इलेक्शन प्रोसेस में पॉलिटिकल पार्टी ने इंटरफेरेंस किया है, और मुझे लगता है सेकेंडली कि यदि उन्होंने टाइम दिया है तो उसका कंप्लायंस होने तक उन्होंने रुकना चाहिए था। उन्होंने रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया इस मैटर में, और इसमें मोस्टली संभावना यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है मस्ट हैव एक्टेड अंडर सम प्रेशर। तो अगर जिस तरह से उन्होंने कैंसिल कर दिया, तो आपको क्या लगता है कि अगर लीगली इसको अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अपहोल्ड करना चाहें तो ये हमारे लिए कुछ हो सकता है क्या? ऐसा कुछ चांस है? पहले तो मैं तेज बहादुर यादव जी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जताया और मुझे उनका वकील अपॉइंट किया। आगे की जो भी रणनीति होगी वो मैं तेज बहादुर साहब से कंसल्ट करके ही आगे बढ़ाऊँगा। बट मुझे लगता है कि इस मैटर को हमने आगे तक ले जाना चाहिए। ये बहुत सीरियस मामला है देश में। यदि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे, लोगों को कंटेस्ट करने का अधिकार नहीं मिल रहा है, यदि सेना के जवान को कंटेस्ट करने का अधिकार नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत सीरियस मामला है। और नरेंद्र मोदी के लिए सारा क्या कराया जा रहा है ताकि नरेंद्र मोदी चुनाव हारे ही नहीं, इसके लिए जो है पूरा सिस्टम वर्क कर रहा है। सरकारी मशीनरी का पूरा दुरुपयोग हो रहा है, और मैंने इलेक्शन कमीशन में सरकारी मशीनरी का पूरा दुरुपयोग देखा है। और उन्होंने तो मुझे जो है ऑडियंस तक नहीं दिया है, और कह रहे थे कि आपकी बात हमने सुन ली, तो मैंने कहा ये आपने मुझे बिठाया नहीं, आपने मुझे बात नहीं किया, आपने मुझे बुलाया नहीं है, तो इस किस तरह से आप मुझसे मतलब हीरिंग दिया है, किस तरह की हीरिंग दिया है आपने, तो मुझसे मेरी बात ही नहीं सुनी है अभी तक, तो किस तरह से आपने हीरिंग दिया है? तो कह रहा है कि हाँ ना हमने आपको सुन लिया है, हम देखेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन इज़ द मोस्ट बायस आर्गन। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन में बदलाव लाने के लिए भी बहुत बड़ी बैटल हम लोगों को लड़नी चाहिए। बट इम्पॉर्टेंट एंड इमीडिएट एक्शन ये है कि हम लोगों ने जो रिजेक्शन है उसको चैलेंज करना चाहिए। लेटेस्ट सी, मुझे लगता है कि आर पी एक्ट में जो चैलेंज का पर्टिकुलर, नो इलेक्शन कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ये जो प्रोविजन है उस चीज़ को हमें प्रॉपर इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। और इलेक्शन पिटीशन
इसका भी प्रॉपर इंटरप्रिटेशन करना चाहिए और मुझे लगता है कि वी शुड गो टू द कोर्ट। थैंक यू सो मच।